चुनावों को देखते हुए प्रचार प्रसार के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बदलाव यात्रा शुरू की है। इसी कड़ी में अनुराग ढांडा के नेतृत्व में बदलाव यात्रा कैथल पहुंची, जहां यात्रा का भरपूर स्वागत किया गया। इस मौके पर अनुराग ढांडा ने जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में अनुराग ढांडा ने बताया कि आम आदमी पार्टी इसीलिए बदलाव यात्रा निकाल रही है क्योंकि आपने 57 सालों में सभी पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन कोई भी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जनजीवन में दी जाने वाली सुविधाएं पूरी तरह से नहीं दे पाई है। ढांडा ने बताया कि जब से बदलाव यात्रा शुरू हुई है तो उन्हें हर जगह सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की दिखी है। हरियाणा में 25 लाख युवा बेरोजगार। ढांडा का कहना है कि इतनी बड़ी बेरोजगारी का मतलब है हरियाणा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर जल्द ही युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो प्रदेश दिशाहीन हो सकता है। चार सबसे बड़ी समस्या जो मेरी जानकारी में आई महेंद्रगढ़ से यहाँ तक आते आते, आज वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहली समस्या, हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है, 25 लाख युवा हरियाणा का बेरोजगार है। 25 लाख युवा हरियाणा के बेरोजगार है। आप समझ रहे हो इस चीज को? 25 लाख युवा बेरोजगार होने का मतलब समझ रहे हो? बारूद के ढेर के ऊपर बैठा है हरियाणा, बारूद के ढेर के ऊपर। भगवान ना करे थोड़ी भी दिशा युवा भटक गए तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। घर चलाने को नौकरी नहीं, घर नहीं बच सकते युवाओं के, खाने को रोटी नहीं, मोहताज हो गए दाने दाने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं दे पाई ये सरकार। सारे रास्ते में मुझे लगातार युवा ये कहते रहे कि जी आपकी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी ना, आपकी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी ना। इतनी उम्मीद थी उनकी आंखों में कि कई बार मैं भावुक हो जाता था उनकी बात सुन के। मैंने हर युवा को ये कहा और आज इस मंच के माध्यम से भी आश्वासन दे रहा हूं, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर। जिस दिन आम आदमी की सरकार आई, पहली कलम से 2 लाख सरकारी रोजगार लिखेंगे युवाओं के लिए। हम यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? आम आदमी पार्टी यात्रा क्यों निकाल रही है? आम आदमी पार्टी इसलिए यात्रा निकाल रही है क्योंकि पिछले 57 सालों में कभी आपने कांग्रेस को मौका दिया, कभी बीजेपी को, कभी इनेलो को, कभी जेजेपी को, कभी लोकदल को, कभी हवीपा को, सबको मौका देके देख लिया। लेकिन 24 घंटे बिजली आती हो आपके गांव में तो बता दो, आती है क्या? आपके गांव के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हो तो बता दो, सारे टीचर उनके अंदर तो हैं क्या? सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? सरकारी अस्पताल में आप जाओ, भगवान ना करे कभी कोई परिवार में बीमार हो, आप सरकारी अस्पताल में जाओ और सारा इलाज आपको मुफ्त में मिल जाए, ऐसा अगर होता हो तो बता दो। है सरकारी अस्पताल किसी दिन के? कोई टेस्ट होता है वहाँ पे? कोई दवाई मिलती है वहाँ पे? युवाओं को इजराइल में नौकरी देने के मुद्दे पर भी अनुराग ढांडा ने सरकार को जमकर लताड़ लगाई। अनुराग ढांडा ने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा सरकार के अंदर। खट्टर साहब कल चाहें तो साइन करके 2 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत देखिए कितनी घटिया है। ये हमारे युवाओं को कह रहे हैं 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे नौकरी करने के लिए। क्यों भेज रहे हैं इजराइल नौकरी करने के लिए? समझ रहे हो ये बात? इजराइल में युद्ध चल रहा है, युद्ध, लोग मर रहे हैं वहां पे, पूरी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए इजराइल से, क्योंकि वहां लगातार गोला बारूद बरस रहा है। हमारे 10,000 युवाओं को वहां मरने के लिए भेजना चाहते हैं खट्टर साहब। इतनी घटिया नीयत इन लोगों की है, इतनी घटिया नीयत। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।